तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यीपी नूडल्स की रेसिपी। अगर आप बाहर के नूडल्स वगैरह खाने के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इसको बिल्कुल ठेले वाले जैसा मैंने बनाया है, वो होता है ना ठेले वाला स्वाद, तो बस वही मैंने आज आपके लिए बनाया है। तो देरी किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैंने प्याज लिया है, उसको कट कर लिया है, और हरी मिर्ची आप अपने हिसाब से तीखा कम या ज़्यादा कर सकते हो। साथ ही टमाटर भी कट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख लिया है। जैसे हमारी कढ़ाई गर्म हो जाए, इसमें हमें 3 टेबलस्पून ऑयल को ऐड करना है। वो 3 टेबलस्पून क्यों ऐड कर रहे भाई, वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 यीपी की पैकेट लिए तो इतना तेल जाएगा। तो तेल जैसे ही गर्म हो जाए, उसमें हमने थोड़ा सी जीरे को ऐड करना है, और साथ ही एक जो लाल मिर्ची होती है ना ड्राई, वो ऐड करना है। इसको हमने तड़का दिया है, बिल्कुल घर के जैसा जो हमने तड़का दे रहे हैं ना वो है, और स्वाद तो एकदम ठेले वाले जैसा है। तो इसमें हम प्याज को मिलाएंगे। ये देखिए बिल्कुल बारीक बारीक से कट किया हुआ प्याज है, जिस तरह से हम अंडे में कट करके डालते हैं ना, बस उसी तरह से कट करना है। अब थोड़ा सा इसको कलर दे रहेंगे, फिर उसके पहले हमने मिर्ची को जो कट किया था उसको ऐड करेंगे। अब इन सबको थोड़ा से पिंक कलर आए तक का हमें भूनना है, ज़्यादा हमें काला ब्राउन नहीं करना है, बस पिंक कलर आए तक ही भूनना है। तो टमाटर भी ऐड करते हैं, देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो गया था। टमाटर को भी खूब बारीक बारीक सा कट किया था। तो यहाँ पे हमें नमक भी ऐड करना है, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए और जल्दी से पक जाए। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। यहाँ पर मैं हाथों से नमक ऐड कर रही हूँ, एक होता है ना अंदाजा, फटक से हम हाथों से ऐड कर लेते हैं, बस वही मैं करती हूँ। कभी कभी घर में भी इस तरह से मैं कुकिंग कर लेती हूँ। तो सूखे मसाले भी ऐड करेंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर लिया है, और थोड़ा सी मैं यहाँ पे ले रही हूँ धनिया पाउडर, और हमें हरी मिर्चें भी ऐड करनी है। तीखा आप अपने हिसाब से भी कर सकती हैं, जितना कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से। तो मैं थोड़ा बच्चों के लिए बना रही हूँ, इतने भी बड़े बच्चे हैं, उतना तीखा खा सकते हैं, वो हिसाब से मैं तीखा ऐड करी हूँ। तो आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए। इसको अच्छे से भूनना है, ताकि मसाला जो है हमारा भून जाए। तो ये देखिए हमारा मसाला जो है एकदम परफेक्ट भुन गया है, और नूडल्स भी मैंने उबाल कर रख लिया है साइड में। तो अब बारी है ऐड करने की, तो बिल्कुल मैं इसको ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मैंने 4 पैकेट नूडल्स लिए थे, वो 5 रुपया वाली पैकेट होते हैं ना, बस उसी का पैकेट मैंने 4 लिया, क्योंकि बड़ा मुझे मिल नहीं रहा था इस लॉकडाउन की वजह से। तो जो मिला मैंने वो ले लिया है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इससे। तो सारे नूडल्स को मैंने ऐड कर लिया है। अभी देखिए ये सूखा सूखा सा लग रहा है, क्योंकि हमने इसका मसाला तो ऐड नहीं किया है, जो इसका अंदर जो मसाला होता है ना वो, उसको मैंने अभी ऐड नहीं किया है, तो उसे भी ऐड करना है। तो ये मसाले देख सकते हो आप, एक एक करके डालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा मैं सारा मसाला जो है निकाल लेती हूँ एक प्लेट में, और पूरा एक साथ डालूँगी और अच्छे से मिक्स करूँगी तो बढ़िया रहेगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, एक एक भी डाल सकते हो, जैसी आपकी इच्छा है आप उस तरह से ऐड करिए, मसाला तो ऐड करना ही है। तो देखिए कितना सारा मसाला हो गया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आया है। तो चलिए अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, इतना बढ़िया टेस्ट आता है दोस्तों। अगर आप इस तरह से बना लोगे ना, तो मुझे उस वक्त कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि कैसा बना है आपका यीपी नूडल्स। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, आप बाहर का खाना भूल जाओगे, इतना अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो थोड़ा सी पानी डालेंगे, ताकि सारे मसाले जो है आपस में मिक्स हो जाए और पक जाए। 1 मिनट के लिए हमें पकाना है, या फिर आप 1 मिनट से कुछ सेकंड के लिए कर सकते हो, लेकिन हाई फ्लेम पे पका सकते हो या फिर लो फ्लेम पे, डिपेंड है आप पे। तो देखिए बढ़िया से मिक्स हो गया है, अब ये रेडी हो गया है। आप चाहो तो चीज़ वगैरह भी डाल सकते हो, लेकिन ये स्पाइसी बनाया है मैंने। तो देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है, एकदम ठेले वाले जैसा लुक आया है।
तो गर्मा गर्म सर्व करिए और इंजॉय करिए यीपी नूडल्स। अगर आप इस तरह से नूडल्स बना लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन स्वाद आएगा। बाहर जाना या बाहर का नूडल्स वगैरह खाना तो भूल जाओगे, इस तरह से हमेशा बनाकर खाना पसंद करोगे आप। तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखा करो, बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आती हूँ मैं आप लोग के लिए। आप लोग का प्यार और सपोर्ट मेरे साथ हमेशा है, मुझे ये पता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर से मिलूंगी एक अच्छी सी वीडियो के लिए। बाय बाय।